देखा दोस्तों आपने, ब्यूटीफुल शिकागो। और मुझे फ़ख्र है अपने बुज़ुर्गों पे जिन्होंने इनको यूनिवर्सिटियां बना के दी थी 1200 साल पहले, इनको इलम सिखाया और आज ये बड़ी बड़ी इमारतें चीज़ें बनाने के काबिल हुए। आपको याद है मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनके अपने लोग मानते हैं कि मुसलमानों ने हमें बहुत कुछ इलम सिखाया। अगर आप नहीं देखे तो पिछली वीडियो देखें, तो उसमें प्लानिटेरियम की वीडियो, उसमें मैंने बताया ये सब चीज़ें कि पहली यूनिवर्सिटी यूरोप में मुसलमानों ने बनाई थी। दोस्तों आपको करीब जाके दिखाता हूँ, मैं आपको नज़र आऊँगा यहाँ। किसी बेवकूफ़ ने पिछले महीने, यानी कि अभी अक्टूबर का महीना है, तो अगस्त के महीने में किसी ने यहाँ पे रात को पिछले पहर आके पेंट कर दिया था। ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं। हालांकि वो पेंट करने से क्या होगा इसको, आपको नज़र आया मैं ये नीले रंग के, मैंने जैकेट फिर उतार दिए क्योंकि जैकेट जो है वो मुझे फिर गर्मी करी थी, फिर वही डोरी वाला बैग। कैसे जबरदस्त चीज है ये, यहाँ पे थोड़ी अल्यूजन हो रही है कि मैं बिल्कुल टकरा गया हूँ इसके साथ ना। ये देखो कैसा बनाया हुआ है, ये समझ नहीं आ रही कि ऊपर है नीचे है क्या है ये। और ये मैंने आपको बताया था ना, ऊपर से दिखाऊंगा, ये आइस स्केटिंग यहाँ पे बच्चे करते हैं इस जगह पे। और ये बाकी डाउनटाउन की खूबसूरत बिल्डिंग है। चलें दोस्तों, आपने देख लिया जी, अब ये दूसरे पार्क की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैगी डेली पार्क। मैगी डेली पार्क असल में इनका एक मेयर था, मेयर डेले, तो उसकी मेरे ख्याल ये बीवी है जिसका नाम ये है, तो उसके नाम पे इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखते हैं वो कैसा पार्क है। यहाँ से चलता हूँ, वो इस तरफ है। ये जो जगह है दोस्तों, इन्होंने किसी कॉन्सर्ट वगैरह, यानी कि कोई गाने बजाने की महफिलें या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें, कोई तकरीर वगैरह करनी है तो उसके लिए ये बना दिया, और लोग यहाँ पे आते हैं। और ये इसके साथ ही ये बाथरूम भी है, अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये पीने के पानी के लिए है, देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, ये पानी है यहाँ पे, आप पीना चाहें तो यहाँ पे पी सकते हैं।
que es ese vino ahí. Mira, aquí está bonito. और ये जो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये लेके जाता है आपको आर्ट इंस्टीट्यूट में। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो शेर बने हुए थे, बबर शेर, भूखे हंगरी बबर शेर, वो आर्ट इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ले जाएगा आपको। तो ये मिलेनियम पार्क और मैगी डेली पार्क के दरमियान में इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है, वो भी सिल्वर का। तो कहते हैं कि असल में वो पुल जो है ना, वो सांप का जो है ना धड़ है, वो बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर से गुजरते हैं लोग। तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऐसा ही है कि नहीं है। ये आ गया दोस्तों, वो पुल जो है। वो तस्वीर उतार रही, मैं पीछे से जाता हूँ। ये लिखा हुआ जो व्हीलर हैं वो यहाँ ना आए, ये स्केटबोर्ड वाले। तो ये दोस्तों वो है मिलेनियम पार्क, अपना सॉरी मैगी डेली पार्क। ये बीपी ब्रिज लिखा हुआ, इसका मतलब पता नहीं क्या है। तो ये है दोस्तों वो ब्रिज पुल है, और ये दूसरी तरफ है मैगी डेली पार्क। और लगता तो ऐसे ही है कुछ, पर अच्छा बनाया हुआ है, देखें। अच्छा, ये जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग आपको नज़र आई ना, वो ऊपर तक, इसको एएन सेंटर बोलते हैं यहाँ पे। और कहते हैं कि ये बहुत सारे दफ्तर हैं यहाँ पे, ऑफिसेज हैं इनके, इंश्योरेंस वगैरह के, ये सब चीज़ें। पर यार काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा मुझे। ये देखें, ये जो पुल के ऊपर जो परतें नज़र आ रही हैं ऊपर, ये लेयर, ये सांप का ही उन्होंने एक सिंबल दिया हुआ, मेरे ख्याल में उन्हीं की अलामत है। और ये देखें दोस्तों, ये इसको बोलते हैं कोलंबस ड्राइव, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, ये जहाँ पे जाके ख़त्म होती है ना, तो वहाँ पे उसका लेफ्ट साइड पे उसको इसका मुजस्मा भी बना के रखा हुआ। देखा आपने दोस्तों, और ये दूसरी तरफ भी आप देखें। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैराथन हो रही है भाई 13 तारीख को, और ये कोलंबस ड्राइव बंद होगी, और आगे इस तरफ है लेक शोर ड्राइव, वो भी बंद होगी। जब ये मैगी डेली पार्क नया नया बना था, कोई यहाँ पे नहीं आता था, मगर अब जो है लोग काफ़ी आते हैं। वो कहते हैं कि अब ये दरख्त बड़े हो चुके हैं, फूल पोटे लग चुके हैं, और अब काफ़ी अच्छा हो गया। अभी देखते हैं, फैसला करते हैं कैसा है ये, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया मैगी डेली पार्क। कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है।
वाकई भैया डेली मैगी डेली पाक है तो अच्छा सरसब्ज है। ये मिनी गोल्फ है यहाँ पे, लेके यहाँ पे खेलो। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, और आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को यहाँ पे लेके आए आप जनाब। बेहतरीन जगह है, जबरदस्त। बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे यहाँ। वाह ये क्या सिंबल बनाया हुआ है। अरे मैं आया हूँ तो यहाँ पे पाँव रखे हैं तो बड़े नरम नरम है जगह यहाँ। ये पता नहीं क्या है, नरम क्यों है, मेरे ख्याल में ये नरम मिट्टी बनाई हुई है, ये डॉल्फिन बनाई हुई है, ये पानी से निकल रही है। वो भी कुछ जानवर है, और वो कछुआ बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। बच्चा आगे खड़ा हो गया, मैंने शरारतें कर रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे खुश होते हैं। क्या बात है जी, तभी दोस्तों ये लेक शोर ड्राइव आ गई है, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कई दफा दिखा चुका हूं, अब आप देख लें। ये लेक आप जानते हैं, आप यहाँ से सही नज़र नहीं आ रही, मगर आप जानते हैं वो क्या है, लेक मिशिगन। इस तरफ चलता हूँ, जबरदस्त बनाया हुआ। यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ मैं।